कई बार जो है मिसप्रिंट हो जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मेन कट ऑफ होती है या जो मेन पीडीएफ होती है उसके अंदर। अप्लाई करने के लिए पोर्टल जो है वो लगभग 6 बजे के करीबन या 7 बजे के करीबन ओपन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी बच्चे के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, उसने पुराना डॉक्यूमेंट कोई अपलोड कर दिया तो उसका एडमिशन एक बार में ही कैंसिल कर दिया जाए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं एडमिशन प्रोसेस को लेकर, कैसे कॉलेज में अप्लाई करना है, कैसे आपका एडमिशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, फी पेमेंट आपको कब करनी है, कैसे करनी है, उसका लिंक कब आएगा, तो A to Z जो आपका एडमिशन प्रोसेस होने वाला है स्टेप बाय स्टेप जो है मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। मैंने एक एग्ज़ाम के टाइम वीडियो बनाई थी जो कि OB मोड के रिलेटेड थी, एंड वो भी एक डेमो वीडियो थी, एंड उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। लगभग 1,20,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आप लोगों ने उस वीडियो पे दिए थे और काफ़ी पसंद भी आई थी और बच्चों को काफ़ी हेल्प भी मिली थी। तो इस वीडियो से भी आपको उतनी ही हेल्प मिलने वाली है, तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम एक एक करके आपको बता देते हैं कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है इस साल कैसे होने वाला है, कैसे आपको कॉलेज के अंदर अप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको चीज़ करनी है वो है आपकी बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना। बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना। उसके अंदर आपका देखिए एलिजिबिलिटी होता है कोर्स का, कि कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, किस सब्जेक्ट को आप बेस्ट फॉर में इंक्लूड कर सकते हो, किसको नहीं इंक्लूड कर सकते। आप लिस्ट ए लिस्ट बी के सब्जेक्ट्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन से मिल जाएगी। तो एक बार एडमिशन लेने से पहले आप बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है वो आ चुकी है, एंड अब उसे जो है आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा, यानी कि आपको प्रॉपर तरीके से जो है अपनी कट ऑफ चेक कर लेनी है। और बेस्ट फोर की कैलकुलेशन या बेस्ट थ्री की कैलकुलेशन जो है वो भी आपको बहुत ही ध्यान से करनी है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोज बना रखी हैं बेस्ट थ्री बेस्ट फोर की कैलकुलेशन को लेकर, लास्ट ईयर की वीडियोज हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाया हुआ है। देन आप जो है वो वीडियोज भी फॉलो अप कर सकते हो, उन वीडियोज को भी देख सकते हो बहुत अच्छे से, उनके अंदर जो है मैंने एक्सप्लेन किया है चीजों को। एंड देन उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि जब आप जो है कॉलेज की कट ऑफ चेक कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि यस इन कॉलेजेस के अंदर मेरा एडमिशन हो रहा है, तो आपको जो है एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है कि किस किस कॉलेज के अंदर एडमिशन हो रहा है। एंड देन उसके बाद जो है आपको अपनी टॉप जो कॉलेज मिल रहा होगा उसके अंदर अप्लाई करना है। एक और लिस्ट यहां पर मैं आपको बनाने के लिए सजेस्ट करूंगा, वो लिस्ट होगी जिसके अंदर जो है आपके एडमिशन के चांसेस होंगे सेकेंड कट ऑफ के अंदर। आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ये कॉलेज है, कोई कॉलेज उसके अंदर मेरा 0.25% से रह गया, तो जो है आप जो है दूसरे कॉलेज सेकंड कट ऑफ में उसका होने का चांस है, तो आप जो है उसको एक अलग लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा कि यस इस कॉलेज में मेरा जो है सेकंड कट ऑफ में एडमिशन हो सकता है, तो जो है उस हिसाब से आप इजीली सेकंड कट ऑफ में एडमिशन ले पाओ। देन उसके बाद जो है आपको एक और चीज मैं यहां पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो एक तो आप DU की जो मेन PDF है उसे तो चेक करो ही करो, साथ ही में आप उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट से भी डाउनलोड करके उसकी कट ऑफ चेक कर लो। कई बार जो है मिसप्रिंट हो जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मेन कट ऑफ होती है या जो मेन PDF होती है उसके अंदर, काफी टाइम जो है हमें देखने को ये चीज मिली है, तो इसलिए जो है मैं आप लोगों को ये चीज सजेस्ट करना चाहता हूं। देन उसके बाद जो मेन एडमिशन का काम है वो आपका 4 अक्टूबर से शुरू होगा, यानी कि 4 अक्टूबर से आप लोग अप्लाई कर पाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन के लिए। एंड जो टाइमिंग होने वाली है वो 10 बजे के बाद जो है मेंशन की गई है, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखिए 10 बजे जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मार्क्स वेरिफिकेशन की टाइमिंग होगी। आपको अप्लाई करने के लिए पोर्टल जो है वो लगभग 6 बजे के करीबन या 7 बजे के करीबन ओपन हो जाएगा। हो सकता है इस बार कुछ चेंजेस भी किए जाए, लेकिन अगर लास्ट ईयर की देखें तो 5 बजे ही मॉर्निंग में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल था वो ओपन हो गया था, और 6-7 बजे से ही बच्चे जो है अप्लाई करने लग गए थे, और जिन्होंने जल्दी जल्दी अप्लाई किया था उनका जो एडमिशन है वो जल्दी अप्रूव हो गया था कॉलेज की तरफ से। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है ध्यान से अप्लाई करें, और टाइमिंग जो है मेरे ख्याल से पहले ही पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो एक बार जो है आप जरूर विजिट कर लीजिएगा मॉर्निंग में उठ के ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर। अब जो है आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको पोर्टल के ऊपर क्या करना है। तो देखिए, आपको जो है अपनी ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे रजिस्टर किया है, और पासवर्ड जो आपके पास होगा उसको यूज करते हुए आपको वहाँ पे लॉगिन करना है। एंड लॉगिन करने के बाद जो है आपके पोर्टल के ऊपर जो भी आपकी प्रोफाइल होगी उसके ऊपर आपको अप्लाई की ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। अप्लाई की ऑप्शन जहाँ दिखाई दे रही होगी वहाँ पे आपको क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद जो है आपको सबसे पहले कॉलेजेस की लिस्ट आएगी कि किस कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो। देन उसके बाद जो है आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है सबसे पहले, एंड उसके
उसके बाद जो है आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, जिस भी कोर्स के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो। देन जब ये दोनों चीज़ें आप सिलेक्ट कर लोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी सबमिट बटन की, आपको अपनी प्रोफाइल या अपनी रिक्वेस्ट जो है उस पर्टिकुलर कॉलेज को सबमिट कर देनी है। तो दोस्तों जब आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हो पोर्टल के ऊपर, तो जो मेन काम है अब शुरू होता है कॉलेज का। कॉलेज के पास आपकी रिक्वेस्ट जाती है तो वो सबसे पहले जो है आपके मार्क्स वेरीफाई करते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो अकॉर्डिंग टू कट ऑफ जो है वो क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपको क्या उस कट ऑफ को मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप उस कट ऑफ को मीट कर रहे होते हो बेस्ट फोर के अकॉर्डिंग या फिर बेस्ट थ्री के अकॉर्डिंग, तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो आगे के लिए प्रोसीड कर दिया जाता है, यानी कि वो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। फिर आपका जो पोर्टल है उसके ऊपर प्रॉपर स्टेटस शो करेगा कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट जो है अभी वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, आपका जो मार्क्स है वो आप क्लियर कर रहे हो या नहीं, सॉरी आप जो कट ऑफ है वो क्लियर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो जो है आप रेगुलरली पोर्टल पे विजिट करके अपना जो स्टेटस है एडमिशन का वो चेक करते रहिएगा। एंड देन उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पे जो भी स्टाफ बैठा होगा, जो भी मेंबर्स होंगे एडमिशन कमेटी के, वो चेक करेंगे कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है, जो प्लस 2 की मार्कशीट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सही है या नहीं है। अगर इनके अंदर उनको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो सबसे पहले काम होगा आपको कॉन्टैक्ट करना कॉलेज जो है आपकी ईमेल आईडी के थ्रू या फिर आपका जो व्हाट्सएप नंबर होगा उसके थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे डिमांड की जाएगी कि आप जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट कॉलेज को सबमिट करो। ऐसा नहीं होता है कि किसी बच्चे के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, उसने पुराना डॉक्यूमेंट कोई अपलोड कर दिया तो उसका एडमिशन एक बार में ही कैंसिल कर दिया जाए, आपको एक मौका जरूर दिया जाएगा। दूसरी चीज कि अगर इन केस मान लीजिए आपके पास वो डॉक्यूमेंट उस टाइम के लिए नहीं है तो आप जो है चिंता मत कीजिएगा, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप प्रोविजनल एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो कॉलेज में। आपको जो है 15 दिन तक का समय दिया जाता है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उनसे मांग सकते हो कि सर मैं 15 दिन में ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा, अभी के लिए आप मुझे परमिशन दे दीजिए। देन उसके बाद जो है आपके पास एक और चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि काफी बच्चों का एडमिशन अप्रूव होने में टाइम लग जाता है, तो वो पैनिक मत करें, एडमिशन आप लोगों का अप्रूव हो जाएगा। 7 तारीख तक की डेट होती है अप्रूव होने की, तो 7 तारीख तक अप्रूव हो जाता है। फिर उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड कर दिया जाता है, यानी कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल या कन्वेनर से अप्रूवल लेना। तो जो डॉक्यूमेंट है जब प्रिंसिपल के पास पहुंच जाता है तो वो देखो यार इजिली मान लीजिए कि आपका एडमिशन हो चुका है एंड वो जो है प्रिंसिपल से अप्रूव होता है, तो आपके पोर्टल के ऊपर 2 से लेकर 3 घंटे के अंदर एक फी लिंक जनरेट होता है एंड उस फी लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको जो है कॉलेज की फीस पे करनी होगी। एंड जो भी कॉलेज की फीस होगी वो आप पहले चेक कर लीजिएगा और उतनी फीस जो है आपको नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो पे करनी होगी। पे करने के बाद जो है आपका एडमिशन उस पर्टिकुलर कॉलेज में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। एंड देन उसके बाद जो स्लिप मिलती है वो संभाल कर रखिएगा, बहुत सारी चीज़ों में काम आएगी, कॉलेज एडमिशन, कॉलेज एंट्री, बहुत सारी आईडी कार्ड बनवाने में, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में, तो बहुत सारा यूज़ होता है उस स्लिप का, इसलिए उसे संभाल के रख लीजिएगा। एंड ये मैंने पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है आपको पूरा समझाया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो है और भी वीडियोस इसी तरह की पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करें। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही में अगर कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।